ब्रह्मा जी की राज में किन्नर की उत्पत्ति हुई, लेकिन किन्नर समुदाय खुद को मंगल सुखी मानते हैं, इसलिए ये लोग मरने के बाद मातम नहीं बल्कि खुशियां मनाते हैं कि चलो इस जन्म से छुट्टी तो मिला। और भी कहा जाता है कि सिर्फ किन्नरों की दुआएं लेनी चाहिए बल्कि बददुआएं नहीं, क्योंकि यह लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी में रहते हैं और ऐसे में दुखी दिल की बददुआ लगना स्वाभाविक है। किसी किन्नर की मौत हो जाने के बाद किन्नर पूरे समुदाय के एक सप्ताह तक भूखा रहते हैं और इनके बारे में सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो अंतिम संस्कार है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कोई आम इंसान नहीं देख सकता, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर पैदा होता है। किन्नर की यात्रा रात में निकाली जाती है, जिसमें लाशें को चप्पल और जूते से पीटे जाते हैं और इनको जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है।